नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? आशा करती हूँ आप बहुत ही अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा ताकि कोई चीज मिस ना हो। तो चलिए आज हम बनाएंगे कढ़ाई पनीर। और कढ़ाई पनीर के लिए हमने आधा किलो पनीर लिया है। और ये देखिए, तब तक एक तरफ मैंने कढ़ाई रख दिया तेल गर्म होने के लिए। और अब बनाएंगे मसाला। ये 3 कटी हुई प्याज थी, देखिए तेल में डाल दी है। और अच्छे से भून लेंगे इसको, प्याज को। और अब डाल देते हैं इसमें एक दालचीनी का टुकड़ा और बड़ी इलायची। और अब डाल देते हैं इसमें काजू। और ये डाल दिए हैं टमाटर, कम से कम 5 से 6 टमाटर कटे हुए हैं ये भी डाल दिए हैं। और अब डाल देंगे इसमें जीरा। और ये डाल दिया आधा चम्मच नमक। और ये अदरक लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट है, 1.5 चम्मच डाल दिया है ये भी। और इसको अच्छे से पका लेंगे मसाले को, टमाटर सॉफ्ट होने तक। ये देखिए, और देखिए मसाला लगभग पक ही चुका है। और भी इसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तब तक देखिए पनीर को मैंने इस तरीके से काट लिया है। और ये तेल गर्म होने रख दिया है दूसरी कढ़ाई में। और पनीर को कर लेंगे फ्राई। ये देखिए, तो चलिए देखिए सारा पनीर डाल दिया है तेल में। और इसको मीडियम गैस पे सेक लेते हैं पनीर को। ये देखिए कलर अब गोल्डन ब्राउन होने तक। ये देखिए तो चलिए पलट देते हैं अच्छे से। ये देखिए एक तरफ का सिक चुका है, दूसरी तरफ का भी सिकने वाला है। ये देखिए देखिए पनीर सिक चुका है। तो चलिए पनीर को निकाल देती हूँ। और ये जो ये साइड वाला है ये भी मैं कढ़ाई में डाल देती हूँ सेकने के लिए। ये देखिए, तो चलिए सारा पनीर सिक चुका है और इसे भी देखिए निकाल दिया है कढ़ाई से। और अब जो शिमला मिर्च है जो मैंने काट के रखी थी उसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, एक शिमला मिर्च में से 8 टुकड़े किए हैं और इसके जो बीज थे वो निकाल दिए हैं और डंडी निकाल दी है। ये देखिए शिमला मिर्च भी अच्छी फ्राई हो चुकी है। और प्याज को भी मैंने इसी तरीके से देखिए काट के रखा हुआ है। ये देखिए, और इसके देखिए अलग अलग लेयर कर रखी है प्याज की। और प्याज को भी हम हल्का भून लेंगे। ऐसे बनाने से हमें फिर बाद में तलने का या फ्राई करने का झंझट नहीं रहता है। देखिए सारा सारी सब्जियां देखिए अच्छे से फ्राई कर ली है, प्याज भी फ्राई हो गई है। तो चलिए इसको भी रखते हैं साइड में। तब तक मसाला ठंडा हो चुका है, इसको मिक्सी में डाल के पीस लेते हैं मसाले को। ये देखिए मसाला देखिए पीस लेते हैं। ये देखिए मसाला पीस चुका है। तो चलिए अब निकाल लेते हैं मसाला सूखा वाला। 1.5 चम्मच मिर्च निकाल दिया है। और ये धनिया निकाल दिया है 1 चम्मच। और ये नमक 1 चम्मच, आधा चम्मच हल्दी। ये देखिए गरम मसाला निकाला है थोड़ा सा। और देखिए कढ़ाई में जो तेल था थोड़ा बहुत उसमें डाल दिया है थोड़ा सा मक्खन। ये देखिए, तो चलिए और ये जो मसाला था इसका घोल बना लेते हैं। ये देखिए, देखिए घर के मसाले से बहुत ही अच्छी कढ़ाई पनीर बनके तैयार होगी। और देखिए मक्खन पिघल गया है थोड़ा सा। और इसमें डाल दिए हींग। और जो मसाले का हमने घोल बना के रखा था वो भी डाल दिया है। तो चलिए मसाले को अच्छे से भून लेते हैं। ये देखिए, तो चलिए मसाला भी देखिए भुन चुका है। अब इसमें जो हमने मसाला जो पीस के रखा था मिक्सी में वो डाल देते हैं सारा। ये देखिए, और इसको भी अच्छे से पका लेते हैं। ज्यादा पकाने की जरूरत तो है नहीं वैसे, क्योंकि मसाला हमारा पहले से ही पका हुआ है। ये देखिए अच्छे से उबल रहा है देखिए मसाला। तो चलिए ये देखिए, और इसमें अब डाल देंगे चीनी 2 चम्मच, क्योंकि हल्की मिठास भी जरूरी होती है सब्जी में। ये देखिए, तो चलिए अच्छे से मिला लिया है चीनी को भी। और अब इसमें डाल देंगे जो हमने अपनी जो सब्जियां फ्राई करके रखी हुई थी ना वो डाल देंगे। ये देखिए, ये देखिए शिमला मिर्च डाल दी है। और अब डाल देंगे इसमें प्याज। ये देखिए इस सब्जी को भी अच्छे से मिला लेंगे मसाले में। ये देखिए देखिए, देखने का मन कर रहा है ना आपको तुरंत बना के खाने का। ये देखिए, तो चलिए थोड़ी देर इसको ढक के पका लेते हैं, लगभग 5 से 6 मिनट के लिए। ये देखिए कम गैस पे मैंने 5 से 6 मिनट पका लिया है। और ये देखिए, क्योंकि सब्जियां तो हमारी पहले से पकी हुई थी सारी फ्राई करी हुई, तो ज्यादा पकाने की जरूरत नहीं थी। और ये देखिए, ये डाल दिया है मैंने पनीर। ये देखिए, तो चलिए पनीर को भी अच्छे से मसाले में मिला लेते हैं। और ये मीडियम गैस पे पका रही हूँ मैं।
ये देखिए, तो देखिए हमारा कढ़ाई पनीर बनके हो गया तैयार। ये देखिए, तो चलिए इस पर डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो चलिए गर्मा गर्म कढ़ाई पनीर बनके हो गया तैयार, इसको निकाल देते हैं प्लेट में। ये देखिए, देख के आ रहा है ना मुंह में पानी। तो चलिए सोचते हो, सोचते क्या हो, जल्दी से वीडियो देखिए और घर में बनाइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छा लगा हो तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, ताकि आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी रेसिपी मैं लाती रहूँ।